हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लक्ष्मी अनिशिका की लाइफ में आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं और मेरी फैमिली भी बहुत अच्छे हैं और मेरी और इशिका की तरफ से आप सबको ढेर सारा प्यार। तो सुबह सुबह आज बनाया था ये चना मसाला, और ना ये चना मसाला बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, और ना इसका रेसिपी मैंने रील्स में शेयर किया है। अगर किसी ने नहीं देखा होगा तो प्लीज़ देख लीजिएगा, ये बहुत मज़ेदार बना है। और ना बहुत सारे लोगों को लगता है कि कुकर में अगर कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं तो कढ़ाई या फ्राइंग पैन में बनाने वाला सब्ज़ी के मुकाबले टेस्टी नहीं बनता है। ये बिल्कुल भी गलत है। कुकर में मैंने बनाया है, एकदम परफेक्ट टेस्ट आया है। आप लोग भी ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। और ना कढ़ाई से ज़्यादा हेल्दी होता है हमारा कुकर में बनाया हुआ खाना, तो बनाइएगा ज़रूर। तो ब्रेकफास्ट मेरा बनके तैयार है, तो चलिए बहुत बड़ा काम आज मुझे करना है जो कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये वाला बड़ा वाला डॉल लगभग हर घर में ही होंगे जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे, और मेरे हिसाब से छोटे बच्चे नहीं हैं ना तो उनके घर में भी होंगे, क्योंकि ये वाला डॉल सबको ही बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ये ना मेरा सेमी ऑटोमेटिक मशीन है 6.5, जिसमें ये धोना इम्पॉसिबल है, बट मैंने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया है इसमें। मेरे हिसाब से मेरे जैसे बहुत ऐसे लेडी होंगे जिनको पता है, अगर जिन और जिस जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ। तो देखिए, पहले मैं ऊपर का जो पोर्शन है वो नीचे दे दी थी, और दोनों पैर मैं से हल्के से ऊपर लटकाए हुए घुमा ली थी। अब सिर की तरफ पकड़ के नीचे वाला घुमा के मैं अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। थोड़ा सा मेहनत होता है, और ना सबसे बड़ी बात, मुझे लगा था स्पाइनर में नहीं आएगा, लेकिन आ गया पूरा डॉल, और अभी घूम रहा है। देखते हैं कैसे क्या होता है। मैं तो खुद सरप्राइज्ड हूँ, इतने दिनों से ना गंदा पड़ा था, मुझे लग रहा था मैं कैसे धोऊंगी और धोने से ना निचोड़ूंगी कैसे, इनका तो टाइम ही नहीं है मैं जब धोती हूँ, ये घर में नहीं रहते और संडे तो दूसरा ही काम निकल आता है। तो रुकिए, मैं अभी आप लोगों को दिखाती हूँ। सच में ये मेरा ना बहुत बड़ा काम हो गया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा था ये डॉल मुझे इतने दिनों से। तो माय डियर फ्रेंड्स, लाइव दिखाऊंगी वो डॉल कैसे धो के निकला है। मुझे तो खुद ही टेंशन हो रहा है वो सच में धुलाई हुई कि नहीं। चलिए मेरी दादी, ठीक से वीडियो नहीं कर पा रही हूं। सच में मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फाइनली इसको धो पाई हूँ। इतना ज़्यादा गंदा था, मैं इससे पहले वीडियो नहीं बना पाई जब गंदा था, लेकिन आप लोग देखते होंगे मुझे ना कभी हिम्मत नहीं हुई इसको धोने के लिए, बट फाइनली आज धो लिया है। देखिए कितना साफ़ हो गया है ना, कितना अच्छा लग रहा है ना। आप लोगों को मेरा आइडिया कैसा लगा? आप लोग भी ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा। मैं बहुत दिनों से ही सोच रही थी कैसे धोऊं, अकेले तो होगा नहीं, बट फाइनली मैंने धो लिया है और हस्बैंड को ब्रेकफास्ट करके भेज दिया है, और आज मैं अकेले ही ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। सुबह एक बार मैं नहा ली थी, नहा के पूजा पाठ कर ली थी, देन उसके बाद फिर से ये सब धोने के बाद मुझे मन करा थोड़ा सा नहा लूँ, तो नहा लिया है। मस्त बनाया, मस्त मस्त बनाया। और हमेशा की तरह दिवाली से पहले कपड़ा धो, घर साफ करो, दिवाली के बाद घर साफ करो, कपड़ा धो, बस यही तो काम है हम लोगों का। तो बेलकोनी देखिए, बेलकोनी में थोड़ा सा भी जगह नहीं, इधर उधर बेलकोनी में देखिए थोड़ा सा भी जगह नहीं, इधर उधर लटका दिया है। और ऋषिका का ये वाला बहुत काम होता है, और डॉल सबको ऐसे दे दिया है, और धूप भी बहुत ज़्यादा अच्छा आया है, और यहाँ पर मेरा आंवला भी सूख रहा है, सब धो दिया है साफ करके एकदम। इससे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ यार। इसको मैं सुबह से बोल रही हूँ, होमवर्क स्कूल से मिला है, थोड़ा सा बैठ जाओ कर लो, बट ये बदमाशी किए जा रही है, पीछे अपना बैग ले ली है,
की हो गलो, हर चीज़ मुंह में डालती है। देखिए कभी ऐसे गले में अटक जाएगा ना और डॉक्टर के पास इसको लेके भागना पड़ेगा। बात नहीं सुनती है, मेरा होमवर्क नहीं कर रहे। की हो जे क्यों जे, देखिए बदमच्छी। अब इशिका के बारे में आप लोगों से मैं क्या ही बताऊं। उसको ना मैं जितना भी मना करूं कि बेटा हर चीज़ मुंह में नहीं लेते हैं, फिर भी वो ना छुपते छुपाते ले ही लेगी। बट अभी पानी पी ली थी, देन उसके बाद उसका चला गया था, गले में कुछ खा रही थी तो वो अटक गया सूखा सूखा। तो यहाँ पे ना मैं धनिया को बीज को ऐसे छिड़क के मिट्टी में ऊपर से और थोड़ा सा मिट्टी डालने के बाद ऊपर से मैं पानी दे दूँगी और 3 से 4 या 5 दिनों के अंदर फिर से नया धनिया के चारा जो वो ना निकल आएंगे। और ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही इजी प्रोसेस है। तो मैं कुछ ही दिनों पहले लगाई थी, वो कैसे दिख रहे हैं मैं आप लोगों को चलिए दिखाती हूँ। तो देखिए ना ये कितने प्यारे लग रहे हैं ना, और कुछ ही दिनों में ये धनिया के पत्ते मैं खा पाऊँगी अपने हाथों से लगाया हुआ। तो आप लोग भी ये मेरा रेमेडी ज़रूर ही ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ईजी है ये रेमेडी। तो ना बहुत सारा काम था इसलिए आज बहुत ज़्यादा लेट भी हो चुकी हूँ। इशिका को मुझे खाना भी खिलाना है, बट फिर भी मैंने बहुत कुछ बना लिया है, देख ही सकते हो आप लोग। तो एक एक करके दिखाती हूँ। ये इशिका का राइस है, थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ रखा है। तो यहाँ पे है चटनी, धनिया पुदीने का चटनी जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। इसमें थोड़ा सा खट्टा भी डाला है, टैंगी फ्लेवर होने से उससे और भी ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाता है। और ये ना आलू और परवल और टमाटर के साथ मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई किया है। इसको ना पूरी या रोटी के साथ अगर खाओगे ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं कभी कभी वैसे भी खाती हूँ। और यहाँ पे मैंने पपाया वाला दाल बनाया है। पपाया वाला दाल ना इशिका को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और पपाया बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा भी होता है हेल्थ के लिए, तो मैं देने की कोशिश करती हूँ। और यहाँ पे है ये फ़िश फ्राई जो कि मैंने इशिका के लिए फ्राई किया है, उसको साफ़ करके देने वाली हूँ। और यहाँ पे मैंने बनाया है फिश का स्टमक के साथ बैगन फ्राई, हम लोग बोलते हैं माछे तीतो शते बैगन। तो और यहाँ पे बनाया है सलाद, बहुत ही कलरफुल लग रहा है ना, बहुत नीचे है कुकुम्बर, ऊपर है टमाटर, अनियन, अदरक, थोड़े से हरी मिर्च, और ये जो लीव है ना ये है लाई शाक। इससे ना बहुत टेस्टी यमी सलाद बनता है, कभी ट्राई कीजिएगा। और ये रहा शोरशो पोस्त के साथ रोहू फिश के छोटे साइज़ के जो होते हैं उसको मैंने बनाया था, बहुत ज़्यादा यमी बना था। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।